नमस्कार दोस्तों, एसके लाइव लर्निंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे कि हम दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनेमो उत्पन्न करता है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आवेश, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र। तो डायनेमो जो होता है ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। डायनेमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, ये सही उत्तर है। दोस्तों, आप यदि चाहते हैं तो अपने मन में या कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए और इसका उत्तर कंक्लूड कर सकते हैं, फिर जोड़ सकते हैं कि हमने कितना उत्तर सही किया है। दूसरा प्रश्न है, दो विद्युत बल्बों की शक्ति क्रमशः 60 वाट तथा 100 वाट है, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन है 5/3, दूसरा ऑप्शन है 3/5, तीसरा ऑप्शन है 9/25 और चौथा ऑप्शन है 25/9। तो इसका सही उत्तर होगा 5/3। अगला प्रश्न है, अनंत लंबाई के तथा आई धारा वहन करने वाले एक रुजरेखी चालक से लंबवत दूरी r पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसका सही उत्तर है बी, ऑप्शन नंबर बी, म्यू जीरो आई बटे 2πr होगा। इसको आप कक्षा 12 की फिजिक्स में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि अनंत लंबाई की धारा आई वहन करने वाले एक रुजरेखी चालक की लंबवत दूरी आर पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। इसका सही सूत्र है म्यू जीरो आई बटे 2πr। अगला प्रश्न है, अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है खनिज, जीव व कोयला, दूसरा है वायु, जल व पेट्रोल, तीसरा है धातु, पेट्रोल व मृदा। इसका डी ऑप्शन है पेट्रोल, धातु व खनिज। तो इसका सही उत्तर डी होगा, पेट्रोल, धातु व खनिज अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, अनवीकरणीय इसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पेट्रोल, धातु व खनिज एक बार समाप्त होने के बाद संभवतः इसको बनने में करोड़ों लाखों वर्ष लग सकते हैं, इसलिए इसका ही उत्तर डी होगा। किसके नेतृत्व में, अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में वृक्षों को बचाने के